तुझसे नाराज नहीं। नमस्कार, मैं हूं आशीष और स्वागत करता हूं आपका आपके बेहद अजीज शो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी पावर्ड बाय चिंग्स में। दोस्तों, किसी भी रिश्ते के लिए सबसे ज्यादा अहम है भरोसा, विश्वास, ट्रस्ट। और जब ये विश्वास टूटता है तो कुछ नहीं बचता। लेकिन हमारी आज की कहानी दो प्रेमियों के रिश्ते और विश्वास की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जो उनके इस रिश्ते की सबसे बड़ी गवाह बनी। शालिनी सक्सेना, एक ऐसी मां की कहानी जो अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ी और सब कुछ खोकर भी जिसने इतना ही कहा, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। अंकित, हाय। हाय। यू नो व्हाट, इस बार ना मेरे एग्जाम्स में फुल ऑन मार्क्स आने वाले हैं, थैंक्स टू योर नोट्स। ओह, थैंक्स। ये जगह कितनी अच्छी है ना पढ़ाई के लिए, एकदम शांत, गंगा मैया के किनारे। हाँ। तुम्हारा कंसंट्रेशन ना बड़ा ही सॉलिड है, ये साधु बाबा के साथ मेडिटेशन करते हो क्या? नहीं, बस जो काम करना होता है ना उसी पे फोकस करता हूँ। लगता है तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। ठीक है, पढ़ते रहो। टावल, तू भी ना कभी नहीं सुधरने वाला। यही है टावल, लेकिन नहीं लेना है। रुक, मैं देती हूँ, ये ले। चल, मैं खाना लगा रही हूँ, आकर खा ले। हेलो अंकित, मैं कई दिनों से तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। आज कॉलेज के बाद भी तुम बिजी थे तो मौका नहीं मिला। क्या बात कर सकते हैं? सॉरी बेटा, तुमने जो बातें बोली ना वो तुम्हें दोबारा बोलनी पड़ेगी। मैं अंकित की माँ बोल रही हूँ। सॉरी आंटी, वो क्या है ना, मैंने आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया और खुद ही बोलती चली गई। रियली सॉरी। इट्स ओके, मैं अंकित को बता देती हूँ, वो तुम्हें फोन कर लेगा। थैंक यू आंटी। एक बात पूछूं? पूछो ना माँ। तेरी पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है? पर्सनल लाइफ? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुझे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? नहीं तो माँ। फिर प्रीति ने ऐसा क्यों कहा? प्रीति? आप प्रीति को कैसे जानते हो? अरे, प्रीति का नाम सुनकर तू ऐसे क्यों घबरा रहा है? नहीं, मैं क्या घबरा रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। थोड़ी देर पहले तेरे फोन पर उसका कॉल आया था, कॉल कर लेना उसे, देख ले, शायद उसी का मैसेज हो। ऐसा कुछ नहीं है माँ। अरे पढ़ ले ना। माँ आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहाँ कुछ सोच रही हूँ। हाँ, तू मुझसे जरूर कुछ छुपा रहा है।
तुम किसी को फोन करती हो और बिना ये जाने कि कौन बोल रहा है कुछ भी बोल देती हो। मैंने ऐसा क्या बोला? मैंने तो सिर्फ यही बोला, हाय अंकित, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और आज कॉलेज के बाहर भी तुम बिजी थे तो मुझे मौका नहीं मिला, तो क्या हम बात कर सकते हैं? बस। तुमने कुछ नहीं बोला लेकिन मेरी माँ ने तो क्या क्या सोच लिया। मुझे तुमसे क्या बात करनी है, ये तो तुमने मुझसे पूछा ही नहीं और सीधा गुस्सा करना शुरू। अरे यार अब तू गुस्सा मत कर। मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। प्लीज बताना तुझे क्या बात करनी थी। अगर तुमको बात जाननी है तो कल मुझे मिलो कॉलेज के बाहर। हेलो हेलो अंकित, कल माँ ने क्या कहा? माँ ने कुछ भी कहा लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ माँ ने क्या कहा। माँ को ऐसा लगा कि जैसे हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। अभी उन्होंने ऐसा लगा जैसे तुम मुझसे प्यार करती हो। अंकित, मैं अगर कहूँ कि माँ ने जो भी कहा वो सच है तो? प्रीति, मैंने इसके बारे में कभी कुछ सोचा नहीं है और वैसे भी अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। आई थिंक हमें फ्रेंड्स रहकर ही एक दूसरे को बेहतर समझना चाहिए। एंड यू नो मे बी इन द फ्यूचर वी कैन। अंकित, मैंने तो अपने दिल की बात तुमसे कह दी पर तुमसे तो उतना भी नहीं बोला गया। फाइन, आई गेस हमें फ्रेंड्स ही रहना चाहिए। प्रीति, तुम जा कहाँ रही हो? अंकित, हाँ? हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं ना। हाँ? एक काम करो, यहीं रोक दो। यहाँ से आगे मैं खुद चली जाऊंगी। मतलब मैं तुम्हें घर भी नहीं छोड़ सकता? क्यों, मेरे पेरेंट्स से हाथ मांगना है? नहीं प्रीति, वो एक्चुअली क्या है ना, मैं तुमसे कुछ कहना एक्चुअली बहुत टाइम से कहना चाह रहा था लेकिन कैसे बोलूं। क्या हुआ, रुक क्यों गए? तुम जानती तो हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ फिर भी पूछती रहती हो। तुम इतने डरपोक क्यों हो? नहीं वो प्यार करते हो तो बोलने में हर्ष क्या है? आफ्टर ऑल हम दोनों तो यही चाहते हैं ना। अंकित, तुम जाओ। अचानक से जाओ? अंकित, मेरा भाई आ गया, तुम जाओ। कौन है ये लड़का? स्कूटर पे बैठ के घूम रही थी उसके साथ तू? क्लासमेट है, घर तक ड्रॉप करने आया था। तू घर चल, तेरे को बताता हूँ मैं। रावत साहब, हमें अभी अभी कुर्सी मिली है, हम गंगा मैया की सफाई के मुद्दे को ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप कलेक्टर साहब से बात कीजिए। कुणाल, हाँ छोड़ मेरा। सच सच बता पापा को कि क्या चक्कर है तेरा उस लड़के के साथ। क्लासमेट है मेरा, घर तक ड्रॉप करने आया था। और जो देखा मैंने बाहर अभी वो। चुप हो जाओ तुम दोनों। रावत साहब, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कुणाल, छोटी बहन से कोई ऐसे बात करता है? पापा, अगर आपको सच पता चलेगा तो आप हम पे नहीं इस पे गुस्सा करेंगे। हुआ क्या? मैंने इसको एक लड़के के साथ बाहर देखा, अभी स्कूटर पे बैठी थी उसके साथ। पापा, वो मेरा क्लासमेट है, बस घर तक ड्रॉप करने आया था। हम तुम्हें कॉलेज लड़कों के साथ स्कूटर पे बैठने के लिए भेजते हैं? अरे हमें फोन कर देती, हम गाड़ी भेज देते। लोग बातें बनाएंगे, जरा से भी अक्कल नहीं है तुम्हें। जाओ अपने कमरे में, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। कुणाल, पापा मैं बता रहा हूं, मैंने इसको बाहर देखा, इश्क लड़ा रही थी उसके साथ, हाथों में हाथ डाल लिए घूम रही थी। उस लड़के का पता करोगे या अपनी बहन को समझाते रहोगे?
करते हैं हम पता। देख मुझे पता है कि वो लड़का कौन है और कहाँ रहता है, और ये भी पता है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे तो बेहतर होगा। चल जा आप कॉलेज, तुझे लेने भी आऊंगा मैं, समझी? अपनी नेतागिरी ना मुझे मत दिखाना। क्या बात है प्रीति, तुम सुबह से चुप चुप हो, कुछ तो बोलो। अंकित, अब हमारा कॉलेज के बाहर मिलना इम्पॉसिबल है। मेरे घर वाले मुझ पे नजर रख रहे हैं और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी लड़के से मिलूं, उनसे बात करूं। प्रीति, ये कैसे पॉसिबल है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं जानती हूं अंकित, पर मेरे घर वाले बातें नहीं समझेंगे। हमारी फैमिली की सोच, कास्ट सब अलग है। मेरे घर वालों को तो जात पात, मान मर्यादा, इनके आगे कुछ नहीं सोचता। आई केयर फॉर यू, और मैं नहीं चाहती कि हमारे इस रिलेशन की वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। कैसा नुकसान? तुम नहीं समझोगे, पर हमें कुछ समय तक छुप छुप के मिलना होगा। प्रीति, हम ऐसे कब तक छुप छुप के मिलेंगे? और देखो, अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं। क्या बात है, पहले तो बहुत डरते थे और एक सेकंड, तुम्हें लगता है मैं डरता था? मैं किसी से नहीं डरता। प्रपोज करो तुम्हें। ओके, सो प्रीति, नहीं, मिस प्रीति सोलंकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई जस्ट लव यू एंड मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। पार्टी हाई कमांड से मीटिंग है, ध्यान रखना। कुणाल, अरे आरती ही उतारती रहोगी या मुंह से दुआ भी दोगी? हाई कमांड से मीटिंग है इसकी, देख लेना तुम। अगले चुनाव में कुणाल भी हमारी पार्टी से चुनाव लड़ेगा। कुणाल का राजनीतिक कैरियर तो शुरू ही समझो, बस प्रीति की पढ़ाई पूरी हो जाए तो प्रीति की शादी की बात पार्टी अध्यक्ष के बेटे से चलाएंगे। प्रीति, प्रीति, हमें तुम पे पूरा भरोसा है। तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे हमारा सर शर्म से झुक जाए, है ना? प्रीति, लेकिन मुझे तुमसे अभी मिलना है। पर माँ भी तुमसे मिलना चाह रही है। सर? हाँ ठीक है, मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। पापा और कुणाल अभी लखनऊ गए हैं तो रात तक ही वापस आएंगे। माँ से मैं कोई बहाना बना के निकल जाती हूँ,
और उसके बाद हम घाटी चलेंगे आरती के लिए। ठीक है, अब मैं घर पे ही तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। अंकित, अंकित, प्रीति। जी खुश रहो। तुम लोग जाओ बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। जी थैंक यू। माँ जी, मेरी फैमिली तो इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगी, बल्कि वो तो मेरी शादी एक पॉलिटिकल फैमिली में कराना चाहती हैं, जिससे उनकी इमेज को फायदा हो। मेरे लिए तो उन्होंने कभी नहीं सोचा। माँ तुम ही बताओ हम क्या करें, मैं और प्रीति एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? मुझे बस इस चीज की खुशी है कि आपकी हाँ है, आगे क्या होगा वो मैं नहीं जानती। बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे पेरेंट्स से मैं बात करूंगी। तुम बस अपने पेरेंट्स को ये कहो कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, मैं पक्का बोलूंगी। माँ हमें आरती के लिए लेट हो रहा है, हम निकले? अरे वाह, बड़ा संस्कारी बन गया। इंसान अपने आप से बहुत प्यार करता है, लेकिन इंसान से बढ़कर है मां, जो खुद से बढ़कर अपने बच्चे से प्यार करती। बच्चे की मुस्कुराहट उसकी मुस्कुराहट बन जाती है, बच्चे के आंसू मां की तकलीफ, अपने बच्चे के शरीर पे लगी हल्की सी खरोंच भी मां को बहुत दर्द देती है। शालिनी जी अंकित के इस प्यार को शादी में बदलना चाहती थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अपने बच्चे की खुशी को पूरा करने की ये छोटी सी ख्वाहिश दुख और मुसीबतों की कितनी बड़ी वजह बन जाएगी। हेलो रोहित बेटा, अंकित का फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। शाम को वो प्रीति के साथ गंगा घाट पर गया था, अभी तक घर नहीं लौटा है। कहीं वो तुम्हारे घर तो नहीं आया? नहीं आंटी, यहाँ तो नहीं आया। तुम मुझे प्रीति के घर का एड्रेस दे सकते हो? आंटी एक्चुअली मुझे नहीं पता। बेटा किसी से पता करके मुझे बताओ ना। ठीक है मैं पता करता हूँ। जी नेताजी से मिलना है। क्या काम है? आप नेताजी को बुलाइए, मुझे मिलना है। देखते हैं अगर फ्री हैं क्या वो। हेलो सोलंकी जी, आपसे कोई मिलने आया है? जी बोलिए। आप प्रीति को बुला देंगे प्लीज? आप कौन? जी मैं प्रीति के क्लासमेट अंकित की माँ हूँ। प्रीति कल दोपहर हमारे घर आई थी, फिर अंकित और प्रीति गंगा आरती के लिए गए थे, उसके बाद से अंकित घर नहीं आया है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब यहीं रुकिए, मैं नीचे आता हूँ। देखिए मैं प्रीति से मिलना चाहती हूँ।
देखिए प्रीति अपने मामा के यहाँ गई हुई है और कल शाम को वो अपनी माँ से कह के गई थी कि किसी सहेली से मिलने जा रही है और आप कह रहे हैं कि वो आपके बेटे से गंगा घाट पर मिलने गई थी। देखिए मैं सच कह रही हूँ, प्रीति और अंकित क्लासमेट्स हैं और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से। देखिए ये प्यार व्यार की बातें यहाँ मत कीजिए, हम संस्कारी लोग हैं। मैं प्रीति से बात करके देखता हूँ, अब आप जाइए यहाँ से। आप मेरी बात, अंकित आप माँ हैं इनकी? आजकल के लौंडे पता नहीं क्या सोचते हैं, स्कूटर लेकर के गंगा नदी में चले आए। पढ़वा संभालिए। इंतजार कर रही हूँ, अंकित कहाँ है? प्लीज कुछ बोलिए, कहाँ है अंकित? मेरे बेटे को मार डाला। ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से। आज मेरी वजह से अपना बेटा खो दिया, सब मेरी गलती है। तू मुझे ये बता, कल रात को क्या हुआ था? कल रात को जब मैं चल एक 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 सेकंड इसे पकड़ो, चल आवाज मत करना और चल यहाँ से चुपचाप। एक 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 सेकंड में बैठ। पापा देखिए ना, कुछ बोलते क्यों नहीं? पापा भी से लेके जाओ, मैं उससे निपटता हूँ। चुप, घर चलो। साले साले मेरी बहन, मेरी बहन को लगाएगा? मेरी बात सुनो, मेरा भाई कुणाल बहुत गुस्से वाला है, कुछ भी कर सकता है और मैं जानती हूं ये उसी ने किया है, अंकित का खून उसी ने किया है। तूने जो कुछ भी बोला मेरे साथ चल और पुलिस स्टेशन में सारी बातें सच सच बता। क्या हुआ प्रीति? प्यार करती थी ना मेरे बेटे से, उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती? जी, मैं अंकित को इंसाफ जरूर दिलाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी फैमिली के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। मैं चलूंगी आपके साथ, गवाही दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब था? क्यों उसका कमरा खोलकर उसे खाना देने गई? मरने देती उसे भूखा? उसकी भूख प्यास से ज्यादा हमें हमारी इज्जत प्यारी है। हाँ भेज दो उन्हें ऊपर। इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरा भाई, इसी ने खून किया अंकित का।
गिरफ्तार करिए इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरे बेटे का खूनी। हाँ, किया है इसने तुम्हारे बेटे का खून। हमारी इज्जत के साथ जो भी खेलने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा। सोलंकी साहब, हमें आपके बेटे को गिरफ्तार करना ही होगा। मैं बताता हूँ आपको सच क्या है। इंस्पेक्टर साहब, आपको सच नजर नहीं आ रहा है? ये नेता है, इसका ये मतलब नहीं कि अपने क्रिमिनल बेटे को बचाने के लिए कुछ भी दलीलें देंगे, और आप इनकी दलीलें सुनेंगे। आप गिरफ्तार करिए इसे। देखिए, हमें हमारी ड्यूटी पता है, कब क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमें समझाने की जरूरत नहीं है, समझे? चौहान लेके आओ। पापा, ये बेटा तू जा, मैं तुझे दो दिन में छोड़ा लूंगा। जा, तू जा। जज साहब, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मेरे क्लाइंट को जबरदस्ती इस केस में फंसाया जा रहा है। उसका अंकित के मर्डर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अरे, ये तो अंकित को जिंदगी में कभी मिला तक नहीं। आई ऑब्जेक्ट यू ऑन। कुणाल प्रीति का भाई है और प्रीति ने खुद पुलिस स्टेशन में जाके अपने भाई के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई थी, और यही रीजन था कि पुलिस ने कुणाल को अरेस्ट किया। अब आप ये मत कहिएगा प्लीज कि प्रीति अंकित को नहीं जानती थी। वकील साहब, आप इस कोर्ट को हैरान कर रहे हैं। आप इस अदालत में भेड़िया आया वाली गडरिया की कहानी सुना रहे हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। आप इस केस से संबंधित बात ही कीजिए प्लीज। जी माय लॉर्ड, मैं इसी केस से संबंधित बात कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि प्रीति और अंकित एक दूसरे के क्लासमेट थे, लेकिन जज साहब, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि प्रीति और अंकित के बीच में कोई भी अफेयर था। और रही बात पुलिस में दिए हुए बयान की, तो जज साहब, मैं प्रोसिक्यूटर साहब को ये बताना चाहूंगा कि उन्हें पुलिस की दी हुई चार्जशीट को अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसमें प्रीति का कहीं कोई बयान दर्ज नहीं है। और अगर वकील साहब आप ये दावा करते हैं, तो मैं आपकी याददाश्त को ताजा करने के लिए इंस्पेक्टर साहब को फिर से विटनेस बॉक्स में बुला सकता हूं। इंस्पेक्टर साहब, क्या प्रीति ने आपको ये नहीं बताया कि कुणाल ने अंकित के साथ मारपीट की थी, और आखिरी बार उसने अंकित को कुणाल के साथ देखा था? प्रीति कभी पुलिस स्टेशन नहीं आई। हाँ, मैंने कुणाल सोलंकी को अरेस्ट जरूर किया था, क्योंकि अंकित सक्सेना की मां ने रिपोर्ट लिखवाई थी, और यही बात मैंने चार्जशीट में भी लिखी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल सच नहीं कह रहे, क्योंकि मेरी क्लाइंट अंकित की मदर इस बात की चश्मदीद गवाह है कि प्रीति उस दिन पुलिस स्टेशन में गई थी और उसने बयान भी दिया था। इसीलिए मैं अदालत से यह दरख्वास्त करूंगा कि प्रीति को कोर्ट में पेश किया जाए, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। मैंने आपसे कहा ना, मुझे कुछ नहीं खाना। क्या हुआ? इसने खाना नहीं खाना तो ना खाए। तुम चलो यहां से। योर ऑनर, आपके सामने जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें डॉक्टर ने यह सर्टिफाई किया है कि प्रीति की सेहत ठीक नहीं है और उसे इलाज के लिए मुंबई जाना पड़ेगा, इसलिए सर वो इस कोर्ट में पेश नहीं की जा सकती। योर ऑनर, ये प्रीति को कोर्ट से दूर रखने की चाल है। वकील साहब, आप बार बार कोर्ट में ये चाल चाल क्या बोलते रहते हैं? अगर आज आपको जुलाब होते तो आप कोर्ट आ पाते क्या? सर, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मिस्टर प्रोसिक्यूटर को बताएं कि प्रीति की सेहत ठीक नहीं है और वो आज अदालत नहीं आ पाएगी। अगली डेट एक महीने बाद की है, आई होप तब तक प्रीति की हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। द कोर्ट इज अर्जेंट फॉर द डे। प्रीति को जानबूझ के कोर्ट से दूर रखा जा रहा है। वो अच्छी तरह से जानते हैं उसकी गवाही आपको आसानी से जिता सकती है। वकील साहब, ये केस में जीतने के लिए नहीं, अपने बेटे को न्याय दिलवाने के लिए लड़ रही हूँ। आइए मैडम, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। रुको, तुम यहां क्यों आए हो?
ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा। जो चला गया है वो वापस नहीं आएगा। अपने बुढ़ापे के बारे में सोचो, क्यों उसे बर्बाद करने पर तुली हो? मेरे बेटे को मार कर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने आए हो? मैं भीख मांगने नहीं आया। कुणाल का केस वापस ले लो, इसके बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देता हूं, और ये मेरा आखिरी ऑफर है। तुम तो अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हो ना, तुम्हारे पास तो बहुत ताकत है। क्या हुआ, एक अकेली औरत से डर गए? मैं अपने बेटे को इंसाफ दिलवा कर ही दम लूंगी। मैं तुमसे नहीं डरता। तुम मुझसे क्या, अपनी बेटी से भी डरते हो? इसीलिए तो उसे कोर्ट में आने नहीं दे रहे हो। डरते हो कहीं तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे बेटे के खिलाफ गवाही दे दी ना, तुम्हारी आन बान और सम्मान का क्या होगा? प्रीति हमारी बेटी है, और खून खून के खिलाफ कभी बगावत नहीं करता। मैं अंकित को इंसाफ जरूर दिलाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी फैमिली के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। योना, मैं प्रीति को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। प्रीति, आप कोर्ट को बताइए कि आपके और अंकित के बीच में क्या रिश्ता था, और अंकित के मर्डर के बाद आपने पुलिस स्टेशन में जाके आपके भाई के खिलाफ क्या कंप्लेन लिखवाई थी? अंकित मेरा क्लासमेट था, अच्छे दोस्त थे हम, पर उसके अलावा हम दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, और ये झूठ है। मैंने अपने भाई कुणाल के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं लिखवाई, और मैं नहीं जानती कि अंकित का खूनी कौन है, नहीं जानती। योर ऑनर, प्रीति के बयान से यह साफ होता है कि प्रोसिक्यूशन ने मेरे क्लाइंट कुणाल सोलंकी पर अंकित के मर्डर का जो इल्जाम लगाया है वो सरासर बेबुनियाद है, झूठा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है सर कि मेरे क्लाइंट कुणाल सोलंकी को बेल की मंजूरी दी जाए, इन्हें रिहा किया जाए। और वकील साहब, आपको और कुछ पूछना है या प्रीति जा सकती है? नो मोर क्वेश्चन जो। प्रीति, आप जा सकती हैं। प्रोसिक्यूशन ने कुणाल के खिलाफ अदालत के सामने कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं रखा है, इसलिए कोर्ट कुणाल की बेल रिक्वेस्ट को मंजूर करती है। प्रीति, खाना खाओ। भाई साहब का फोन आया था, वो यहां आना चाहते हैं अंकित की मां से मिलने, लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया, मैं और खून खराबा नहीं चाहता। मैं ये मामला शांति से निपटाना चाहता हूं। बाकी जैसे तुम्हारी बेटी की मर्जी। द कोर्ट इज adjourned। गवाही पर आज कुणाल को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जिसके खिलाफ
छह महीने से केस चल रहा था और छह महीने पहले पुलिस को उसकी लाश बहुत ही संगीन हालत में मिली थी और आज कुणाल के डिफेंस लॉयर का ये दावा है कि कुणाल को बहुत ही जल्द इस केस से क्लीन चिट मिल जाएगी। मैं अंकिता, कैमरामैन अभिषेक के साथ फ्रॉम एसजी न्यूज, थैंक यू। की पूजा में आया था माता जी, छह महीने पहले यहाँ पर कुछ लड़के झगड़ रहे थे और उन्हीं में ये लड़का भी मौजूद था, वो लोग इसी को मार रहे थे। मैंने वहाँ पर जाकर रोकने की भी कोशिश करी लेकिन वो लोगों ने मुझे भी मारा, इसीलिए मैंने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवा दी। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता माता जी, मुझे सुनिए, आप सिर्फ यही बातें हमारे वकील को बता देंगे, मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। पहले मैं इन्हें नहीं जानता था, जब मैंने इन्हें न्यूज में देखा ना तो मुझे पता पड़ा कि इनमें से एक लड़का सोलंकी जी का लड़का है। तो माता जी, मैं खुद डर गया था, मैंने सोचा कि मैंने रिपोर्ट लिखवाई क्यों। माता जी, मैं कोर्ट कचहरी के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता, आप मुझे माफ करिए, ये लोग कहीं उसी लड़के की तरह मुझे भी नहीं मारे। नहीं। ये लड़का मेरा बेटा है, इसकी हत्या कर दी गई, छह महीने पहले इसी घाट से उठाया गया था इसे। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका तुझसे नाराज नहीं जिंदगी पावर्ड बाय चिंग्स पर। आज हम बात कर रहे हैं शालिनी सक्सेना जी के बारे में। शालिनी जी, ऐसे हजारों केसेस मेरे पास रोज आते हैं, आप किसी पे इतनी आसानी से कैसे विश्वास कर सकते हैं? अरे हो सकता है कोई फ्रॉड हो सकता है कोई आपकी जरूरत जान के आपसे पैसे निकलवाना चाहता हो। नहीं, मुझे पता है वो आएगा, यही है वो। क्या नाम है तुम्हारा? सब पवन सिन्हा। क्या देख रहे? सर, मैं अपनी बाइक ठीक कर रहा था और मैंने देखा कि कुछ लोग हाथापाई कर रहे हैं। नितिन, मारी मत प्लीज। क्या बोल रहे हैं साले? मैं और नितिन प्यार करते। रोको, अरे हटो यार, तू सुख क्यों मार रहे हो? अरे उसको क्यों मार रहे हो यार? उसको कौन? अरे वो बेचारे खून। अरे यार मत मार, अरे थोड़ा सा मेरी बात। तू कौन है बे? अरे उसको मारी मत, ए तू से छोड़, इसका स्कूटर ले गया। गाड़ी स्टार्ट कर, चल। तो सर, बस मैं नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उनकी कंप्लेंट लिखा दी। रिपोर्ट किसके खिलाफ? जी सर, किसी अननोन के खिलाफ लिखवाई थी क्योंकि मुझे नाम तो पता ही नहीं था। और जब तुम्हें पता चला कि वो सोलंकी जी का बेटा है तो तुमने क्या किया? सर, मैं डर गया था सर, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया सर। और जब मैंने न्यूज पे देखा कि उन लोगों ने उस लड़के को भी मार डाला है तो मैं डर गया था सर, मुझे लगा कि वो लोग मुझे भी मार डालेंगे। योनर, आखिरकार वो गवाह हमारे बीच आ ही गया जिसने अंकित और कुणाल को एक साथ देखा था। योनर, ये विटनेस एक अहम विटनेस इसीलिए है क्योंकि डिफेंस लॉयर ने ये कहा था कि अंकित सक्सेना और कुणाल सोलंकी जिंदगी में कभी भी नहीं मिले थे और ये विटनेस मर्डर वाली रात को वहीं पर मौजूद था और इसने कुणाल सोलंकी और अंकित सक्सेना को एक साथ देखा था। योनर, दिस इज अ केस ऑफ ऑनर किलिंग। कुणाल सोलंकी ने अपनी झूठी शान के लिए अपनी बहन के प्यार की हत्या कर दी। योनर, मैं इस बात को मानता हूं कि पवन ने उस रात एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि इस विटनेस ने उस रात अंकित के साथ मेरे क्लाइंट कुणाल सोलंकी को ही देखा था? किस बात की गारंटी की बात कर रहे हैं? योनर, इस विटनेस ने मर्डर वाली रात को पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखवाई थी जिसमें कुणाल सोलंकी की गाड़ी का नंबर मौजूद था। योनर, मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि कुणाल सोलंकी से पूछताछ की जाए ताकि सच खुद ब खुद सामने आ जाए। इस विटनेस की गवाही सुनकर कोर्ट पुलिस को यह आदेश देती है कि कुणाल सोलंकी को गिरफ्तार करके रिमांड होम में रखा जाए और उससे पूछताछ करके सच उगलवाया जाए। द कोर्ट इज अर्जेंट। पुलिस को खरीदेगा तू है? गया वो तेरा इंस्पेक्टर, अब बता मेरे को सच्चाई, बता।
अरे बता बताता उस रात लेकिन पापा भी से लेके जाओ मैं उससे निपटता हूँ मेरी बहन के साथ आज चला आएगा तू नहीं नहीं बात सुन मैं क्या अरे तमाम सबूतों से ये बात साफ हो गई है कि कुणाल सोलंकी ने ही अंकित सक्सेना का खून किया है और ये बात भी साबित हो गई है कि कुणाल ने पुलिस के साथ मिलकर कानून को गुमराह करने की कोशिश की है। ये क्राइम ऑनर किलिंग जैसी रूढ़िवादी सोच की वजह से हुआ है। क्राइम की सीरियसनेस को देखते हुए कोर्ट कुणाल सोलंकी को इंडियन पेनल कोड सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। थैंक यू बेटा, तुम्हारी हिम्मत की वजह से मेरे बेटे को आज न्याय मिल पाई। सिर्फ पवन की वजह से हम ये केस जीत चुके हैं। मुझे माफ कर दीजिए, जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। दोषी को सजा मिल गई, मुझे कोई शिकायत नहीं। हाँ, एक बात की तकलीफ जरूर है कि मेरे बेटे ने ऐसी लड़की से प्यार किया जो उस वक्त कमजोर पड़ गई जब मेरे बेटे को उसके प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत थी। हम हमारी जिंदगी में कई हजार मुसीबतों से लड़ते हैं, कई बार जीतकर हारते हैं तो कई बार हार कर जीतते हैं। और जब ये लड़ाई एक माँ अपने बच्चे के लिए लड़ रही हो तो वो हर हाल में जीतना चाहती है। शालिनी जी ने ये लड़ाई लड़कर साबित कर दिया कि सच चाहे जितना भी अकेला क्यों ना पड़ जाए, हारता कभी नहीं। और ये उनके इसी हौसले की जीत थी तो लाख मुसीबतों के बावजूद भी लड़ती रही और कहती रही, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। दोस्तों, अगली बार फिर मुलाकात करूंगा ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी पावर्ड बाय चिंग्स पर।